बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। मैं इस वक्त तहसील ऑफिस बांडीपुरा के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ, मेन रोड पर। आप देख सकते होंगे ये नाले मधुमती का एंड है और यहाँ से ये मिनी सेक्ट्रेट का एंड है, यानी गुलशन चौक का एंड है ये। यहाँ से मैं एक्जे नारायण भी ईओ म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा और प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा को एक अपील करना चाहूँगा तहसील ऑफिस की तरफ से और खासकर बांडीपुरा की आवाम की तरफ से कि जनाब आप हमें एक बोट अवेलेबल करवाइए, एक कश्ती हमें अवेलेबल करवाइए ताकि लोग जो हैं वो तहसील ऑफिस के अंदर जा सकें, क्योंकि एहसास नाम की कोई चीज़ रही नहीं। अब हमें वैसे ही चलना पड़ेगा जिस तरह से आप चलते हैं। 2 साल कबल हमने जब ये मामला उठाया कि तहसील ऑफिस की जो ड्रेनेज है वो कम्प्लीटली ब्लॉक है, उसमें पानी भर जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तहसील ऑफिस के अंदर जाने में और बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। अब जब 3 साल गुजरने के बावजूद भी एहसास नहीं हो रहा है तो बस अब दरकार इसी चीज़ की है कि आप सफाई मत करिए बेशक ड्रेन की, लेकिन एक बोट अवेलेबल करवाइए आप, जिस कश्ती के जरिए से, जिस बोट के जरिए से लोग अंदर जाएंगे तहसील ऑफिस के अंदर। देखिए अब जिसका जूता छोटा है वो वापस ही निकल जाता है, वो अंदर जा ही नहीं पाता है क्योंकि पानी इतना जमा हो गया ठीक तहसील ऑफिस के गेट के ऊपर, इसकी 6 से 7 इंच या 8 इंच लगभग होगी क्योंकि यहाँ पर एक ड्रेन है और वो ड्रेन पूरी भर गई है। अब अल्टरनेटिव जो है इसका फिलहाल जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो अलाउ कर रहे हैं मेन गेट से, लेकिन यूजुअली छोटे गेट से जब लोगों को अंदर जाना पड़ता है तो उसका ये हाल है अभी। और इतना ही नहीं बल्कि तहसील ऑफिस के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारे आरएनबी का महकमा का एक और नमूना दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि जब यहाँ पे मैग्नमाइजेशन किया गया तो बीच में इस तरह की कारीगरी कर रखी है या इस तरह की इंजीनियरिंग कर रखी है कि वहाँ पे भी एक बोट की हमें दरकार है। मैग्नमाइजेशन का लेवल या इसकी सरफेस कुछ इस तरह से है या प्रॉपर लेवलिंग जिसे हम कहते हैं ना, वो इस कदर की गई है इस तहसील ऑफिस के अंदर। उस जूनियर इंजीनियर को भी मेरी तरफ से सलाम कि जिसने यहाँ पर इतना बड़ा दरियाव बना के रखा है। ये देखिए ये दरियाव है और इस दरिया को पार करने के बाद ही आप तहसील ऑफिस में जा सकते हैं। अगर लोग यहाँ पे आएंगे तो मैं बस इतना कहूँगा कि अपने लिए एक बोट का इंतज़ाम करके आइएगा क्योंकि आप पैदल नहीं जा सकते, बाई फुट आप ये क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जमा हो गया है और ये रिसेंटली मैग्नमाइजेशन इसमें किया गया है। देखिए ज़रा जो कोई भी आएगा वो किनारा पकड़ के या फिर उसका जूता भीग जाएगा या फिर किनारा पकड़ के जो है इस दरिया जैसे इस खूबसूरत मैं कहूँगा कि नमूने को, आरएनबी के नमूने को पार तभी करेगा। यहाँ पर एक्जेन आरएनबी और ईओ म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा और बिलखसूस म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा की प्रेसिडेंट बशार साहब जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बोट का इंतज़ाम करिए ताकि लोग आराम से तहसील ऑफिस के अंदर बाहर जा सकें। सबसे पहले ड्रेनेज जो है ना, ड्रेनेज को अगर आप देखेंगे तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।